तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। एक बार फिर से लेके आ गए हैं आपके लिए देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी अपडेट, बड़ी खबर निकल के आ रही है। पटना में विपक्षी दल की बैठक शुरू हो चुकी है, 15 से अधिक विपक्षी दल शामिल हुए, सभी के बारे में बताएंगे और रणनीतियों के बारे में बताएंगे, कैसी रणनीति बनाई जा रही है 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर, बीजेपी को कैसे सत्ता से बाहर करने वाले हैं विपक्षी दल, सब कुछ बताने वाले हैं विस्तार से। और क्या विचारधाराएं रहने वाली हैं, क्या रणनीतियां रहने वाली हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, और खासकर ईवीएम के मुद्दे पर भी जमकर मंथन होने वाला है, सब कुछ बताने वाले। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वेल आइकन जरूर दबाएगा। देश दुनिया की सही फटाफट बड़ी अपडेट पाने के लिए पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बताते चले कि विपक्षी एकता में सबसे पहले अरविंद केजरीवाल पहुंचते और वो अपनी विचारधारा के साथ सबसे पहले अड़े हुए और लगातार बता रहे थे कि अध्यादेश के खिलाफ सारे विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। ऐसे में बता दें कि सारा विपक्ष अब अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के साथ रहने वाला है। और खासकर अगर देखा जाए, अध्यादेश नहीं, एक तरह से अगर लोकतंत्र को बचाना है तो विपक्ष को एकजुट होना जरूरी है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल किसी भी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं दिल्ली में। देखा जाए उनके ट्रांसफरिंग और पोस्टिंग के अधिकारों को छीन लिया गया है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव के मुद्दों पर जमकर मंथन हो रहा है और लगातार एक दूसरे की मदद करने के लिए सारे विपक्षी दल के नेता एकजुट होते नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बताते चलें, राहुल गांधी का एयरपोर्ट से ही जमकर स्वागत हुआ और पटना पर पहुंचते ही आपको बताते चलें, मल्लिकार्जुन के साथ साथ राहुल गांधी का जमकर स्वागत हुआ है। साथ ही जो ये बैठक हो रही है विपक्षी दल की, ये नीतीश कुमार के घर पर बुलाई गई है। और ऐसे में राहुल गांधी ने अपनी विचारधाराओं को रखा है, उन्होंने कहा कि ये आखिरी चुनाव होने वाला है, लोकतंत्र के लिए ये चुनाव काफ़ी ज़्यादा अहम रहने वाला है और ये आखिरी मौका है। अगर इस बार जनता ये मौका छोड़ देती है तो लोकतंत्र नहीं आने वाला है, केवल और केवल तानाशाह रहने वाला है। और खासकर मोदी की रणनीतियाँ दुनिया वालों के सामने, इस तरह से मणिपुर में हुआ ये सब देख रहे हैं, कानून व्यवस्था हो या फिर सांप्रदायिक हिंसा हो, सब कुछ पूरी तरह से तहस नहस किया जा रहा है, आप सब देख रहे हैं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम विपक्षी एकता में सबके साथ रहने वाले हैं। नीतीश कुमार ने जद्दोजहद कोशिश की विपक्षी एकता को, आज वही दिन 23 जून आ चुका है और लगातार ईवीएम को लेकर भी मंथन हो रहा है। विपक्षी दल पहले से कह रहे हैं कि ईवीएम के जरिए सारा खेला किया जा रहा है, अगर ईवीएम ना हो तो ये कर्नाटका की तरह हर राज्य में चुनाव हारने वाले। वैसे आपकी क्या राय, अपनी राय जरूर बताएगा। वैसे बताते चले कि ईवीएम को लेकर भी जमकर मंथन किया जा रहा है, आने वाले समय में इसका जमकर विरोध भी होने वाला है। अच्छा, एक और खबर निकल के आ रही, बड़ी खबर है, विपक्षी एकता के बीच उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर करारा हमला बोला, कहा अगर 24 में प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो लोकतंत्र नहीं बचने वाला है। पटना में आज विपक्षी दलों की बैठक है, इस बैठक में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर विपक्ष रणनीतियां बना रहा, और इसी बैठक में देखा जाए शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आने वाले 24 के चुनाव में अगर प्रधानमंत्री मोदी बनते हैं तो ऐसे में लोकतंत्र नहीं बचने वाला है और यही वजह है कि हम सारे विपक्षी दल के नेता एकजुट होकर देश की संस्कृति और लोकतंत्र संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि हमें जनता का भी साथ मिलना चाहिए, तभी ये सब कायम हो पाएगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में सही जगह वोट किया जाए। अगली और खबर निकल के आ रही, राहुल गांधी ने जोश भरे अंदाज में कहा कि कर्नाटका की तरह एमपी और छत्तीसगढ़ राजस्थान में भी जीत हासिल करने वाले हैं, विधानसभा चुनाव में बीजेपी का होगा सुपड़ा साफ। पटना में विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले सदाकत आश्रम में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरा और साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव, जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में भी सरकार बनने वाली है और बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और आरएसएस देश को तोड़ना चाह रहे हैं, देश में विचारधारा उनकी विपरीत चल रही है। एक तरफ कांग्रेस है जो भारत जोड़ो यात्रा के विचारधारा से आगे बढ़ रही, दूसरी तरफ बीजेपी जो देश को तोड़ने की राजनीति कर रही है। यही वजह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का हर जगह से सुपड़ा साफ होने वाला है। जरा सुनिए क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने। अगली और खबर निकल, यहाँ पे देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने बहुत लंबे भाषण किए, हर कोने में घूम लिए और नतीजा आपको दिख गया कर्नाटक में क्या हुआ। देखा आपने, तो बीजेपी कह रही थी कि उनकी बहुत भारी जीत होगी और नतीजा आपने देख लिया,
जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई वैसे ही कर्नाटक में बीजेपी गायब हो गई। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, जहां पर विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही लगातार इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। साथ ही देखा जाए अब डिप्टी कलेक्टर शामिल होने जा रही हैं कांग्रेस में, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच एमपी की डिप्टी कलेक्टर ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस का दामन थामा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में ये सबको पता है कि अब कांग्रेस सरकार बनने वाली है मध्य प्रदेश में, यही वजह है कि लगातार इस्तीफों का दौर शुरू हो रहा है। यही वजह है कि छतरपुर में डिप्टी कलेक्टर और लौकुश नगर के SDM के पद पर पदस्थ रही निशा बांगेर ने इस्तीफा दे दिया है। और यह बड़ा कदम केवल और केवल कांग्रेस द्वारा चल रही विचारधारा की वजह से दिया गया, खासकर राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित होकर उन्होंने इस्तीफा दिया और कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। अगली और खबर निकल के आ रही है अमेरिका से, बड़ी खबर है। आपको पता चले मोदी का लगातार विरोध जारी है, आज जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, एक बार फिर प्रोटेस्ट किया गया, मोदी गो बैक, नो टू मोदी इन अमेरिका, लगातार विरोध किया जा रहा है। और खासकर उन्हें टेली प्रमोटर भी कहा गया है, क्योंकि अब तक कोई भी भाषण बिना देखे हुए प्रधानमंत्री नहीं पढ़ पाए। और खासकर उनको भारत के मुद्दों को लेकर भी घेरा गया, जिस तरह से मीडिया और फिर वहाँ पर मणिपुर मुद्दों के साथ साथ प्रधानमंत्री को हर एक तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इसको लेकर जमकर विरोध किया जा रहा है अमेरिका में, आप साफ वीडियो में देख सकते हैं। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, महाबैठक के लिए पटना में होने लगा है विपक्षी नेताओं का जुटन। आपने देखा और विपक्षी एकता शुरू हो चुकी है, लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की शुक्रवार को होने वाली बैठक अब बिहार की राजधानी पटना में शुरू भी हो चुकी है। और ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी को हराने के लिए सारी रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर, विपक्षी एकता के बीच चेहरों पर नहीं होने वाली एकजुटता, बल्कि केवल और केवल बीजेपी के हराने का एजेंडा रहने वाला है। सबसे पहले पटना में विपक्षी दलों की आज बिहार में सीएम नीतीश कुमार के घन अहम बैठक हो रही है, और जिसमें लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा विपक्षी दल के नेता शामिल हो रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र ममता बनर्जी के कहने से नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों की पहली औपचारिक संयुक्त बैठक पटना में रखी है। कहा जा रहा है कि कई विपक्षी दल अभी भी कांग्रेस की अगुवाई में ऐसी कवायद लगाए हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए विपक्षी दल एक बार फिर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हो रहे हैं। वैसे आपकी क्या राय है विपक्षी एकता को लेकर, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगली एक और खबर निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, विपक्षी एकता की कोशिश में क्या नीतीश कुमार पूरी तरह से सच साबित होंगे नहीं, या कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का पूरा साथ मिलने वाला है, ये भी बात सामने निकल के आ रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या विपक्षी एकता सफल होने वाली है या नहीं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगली एक और खबर निकल के आ रही है मणिपुर से, बड़ी खबर, जहां पर फिर से हिंसा जारी है, चूराचांदपुर में फिर से हिंसा हुई, और वो देखा जाए तो अब मणिपुर के हिस्से से करता जा रहा है। सेना ने कुकी लोगों के बनाए गए बंकर को भी नष्ट कर दिया गया। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई हिंसा आज 51वां दिन है, और इम्फाल का फिर से चूराचांदपुर देश के बाकी हिस्सों से कटता नजर आ रहा है। यहाँ कुकी समुदाय के लोगों द्वारा बनाए गए बंकरों को नष्ट कर दिया गया, साथ ही रास्तों को भी ब्लॉक किया गया। उधर शुक्रवार को एक वीडियो सामने आया था, जिसमें देखा गया था कि जवान हवाई जहाज से बंकर को उखाड़ रहे थे, और खासकर देखा जाए पूरी तरह से टांडो मचा दिया गया है मणिपुर में, और सेनाओं द्वारा भी मणिपुर के लोगों को रहने नहीं दिया जा रहा है। जहाँ एक तरफ 24 जून यानी कल सर्वदलीय बैठक होने जा रही है, उससे पहले भी देखा जाए मणिपुर का पूरा माहौल खराब है। वैसे आपकी क्या राय है, मणिपुर के माहौल खराब होने की वजह क्या रही है, अब तक देखा जाए मणिपुर में 150 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और 500 से ज़्यादा घर जल चुके हैं। अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। इस खास वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ पे देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने बहुत लंबे भाषण किए, हर कोने में घूम लिए, और नतीजा आपको दिख गया कर्नाटक में क्या हुआ, देखा आपने। तो बीजेपी कह रही थी कि उनकी बहुत भारी जीत होगी, और नतीजा आपने देख लिया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई वैसे कर्नाटक में बीजेपी गायब हो गई। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं तेलंगाना में
मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी।